महाशिवरात्रि के पर्व पर घोषित हुई तिथि सुबह 6:25 पर खोलेंगे केदारनाथ के कपाट, जिसको लेकर अब पूरी तरह से मंदिर को साथ सजाया जा रहा है, सज्जा की जा रही है और ऐसे में अब पूरी तरह से तैयारी शुरू हो चुकी है केदारनाथ के कपाट खोलने की। 1 मई को ओंकारेश्वर मंदिर में भैरव पूजा संपन्न भी की जाएगी। श्रद्धालुओं के आवागमन के लिए फिलहाल किस तरह के यहाँ पर जो गाइडलाइन है वो सामने आएगी, वो एडवाइजरी जारी नहीं की गई है सरकार की तरफ से, लेकिन केदारनाथ के कपाट खुलने की जो तारीख है उसे घोषित अब कर दिया गया है। इसमें 6 मई को खुलेंगे केदारनाथ के कपाट, जहां महाशिवरात्रि के पर्व पर ये तारीखें घोषित की गई है। सुबह 6:25 पर कपाट खोले जाएंगे। 1 मई को ओंकारेश्वर मंदिर में भैरव पूजा संपन्न भी की जाएगी, जिसको लेकर पूरी तरह से तैयारी यहां की जा रही है। प्रशासनिक अमला भी सक्रिय होता हुआ नजर आ रहा है कि केदार के जब कपाट खुलेंगे तो यहां पर ज्यादा तादाद श्रद्धालुओं का ना लगता हुआ नजर आए, ताकि किसी भी तरह से हताहत की कोई भी स्थिति सामने ना आए। और इसी के चलते महाशिवरात्रि का पर्व आज देश भर में मनाया जा रहा है, जिसको लेकर आज ही के दिन केदारनाथ के कपाट खुलने की जो तारीखें हैं उसे घोषित कर दिया गया। 6 मई को केदारनाथ के कपाट खोल दिए जाएंगे, महाशिवरात्रि के पर्व पर घोषित की गई है तारीखें। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ज्ञानेंद्र तिवारी देहरादून से लाइव जुड़ गए हैं। ज्ञानेंद्र, केदार के कपाट यहाँ पर खोलने की जो तारीख है 6 मई से वो तक घोषित कर दी गई है, तो श्रद्धालुओं में किस तरह का उत्साह देखा जा रहा है या किस तरह की तैयारी अब की जा रही है? देखिए, 4 धामों में से एक केदारनाथ के जो कपाट है उसके कपाट खुलने की तारीखों का ऐलान आज हो चुका है। जिस तरीके से जो हकधारी हैं, पंडा पुरोहित समाज है, उनकी मौजूदगी में आज जिस तरीके से ये तारीखों का ऐलान किया गया है, 6 मई को सुबह 6:25 को बाबा केदार के कपाट खुलेंगे। और ऐसे में जिस तरीके से आज तारीखों का ऐलान हुआ है, ख़ासतौर पे अगर हम देखें जिस तरीके से प्रदेश के अंदर जो बद्री केदार मंदिर समिति हैं उनके पदाधिकारियों की मौजूदगी में आज लगन अनुसार जिस तरीके से इस तारीख का ऐलान किया गया है ख़ासतौर पे, और ऐसे में एक उत्साह जो है जो श्रद्धालु हैं उनके बीच बना हुआ है, क्योंकि हम देखते हैं कि किस तरीके से 4 धामों में से एक बाबा केदारनाथ में जिस तरीके से जो श्रद्धालुओं की भीड़ है हर वर्ष आती है, और ऐसे में इस तारीखों का ऐलान हुआ है यानी कि 6 मई को बाबा केदार के कपाट खुल जाएंगे और जो श्रद्धालु हैं जो बाबा केदार के दर्शन करने के लिए 6 मई से वो जा सकेंगे। अगर हम देखें जिस तरीके से 4 धामों में से केदारनाथ के अलावा बद्रीनाथ के भी कपाट 8 मई को खोले जाने की तिथि का जो घोषणा पहले ही हो चुका है, और अब केदारनाथ लेकिन ज्ञानेंद्र, क्या इस बीच कोई एडवाइजरी जारी की गई है? क्योंकि अभी ये हमें भूलना नहीं चाहिए कि कोविड हमारे बीच में से गया नहीं है। बेशक से आंकड़े कम हो रहे हो, केसेस कम आ रहे हो, लेकिन अभी कोरोना हम सबके बीच में सक्रिय है। ऐसे में उत्तराखंड में कोविड की किस तरह से लहर जब पहली और दूसरी आई थी, क्या जो अप्रिय घटना और हताहत की स्थिति थी वो साफ तौर पर देखी गई थी, तो इस बीच क्या राज्य सरकार प्रशासनिक अमले की तरफ से कोई एडवाइजरी जारी की गई कि किस तरह से श्रद्धालुओं की जो आवागमन की होगी प्रक्रिया उसे किस तरह से पूरा किया जाएगा? देखिए, आज तारीखों का ऐलान हुआ है केदारनाथ के, और पिछले दिनों हमने देखा बद्रीनाथ के कपाट खोलने के तारीखों का ऐलान हुआ, और ऐसे में अगर हम देखें बद्री केदार समिति की तरफ से अभी केवल तारीखों के ऐलान किए गए हैं, तैयारियां की जा रही हैं खासतौर पे 4 धामों को लेके, कपाट खोलने को लेके मंदिर समिति की तरफ से, इसके अलावा सरकार की तरफ से तैयारियाँ की जा रही हैं। हालाँकि अभी वक्त है, मई के महीने में इसकी शुरुआत होने वाली है, और ऐसे में अभी सरकार के पास वक्त है, और हमने देखा है कि किस तरीके से पिछले 2 सालों में जिस तरीके से कोविड की वजह से जो यात्रा हैं प्रभावित रही हैं, हालांकि राज्य सरकार की पहल के बाद यात्राओं को संचालित किया गया था, लेकिन जो कोविड के नियम थे, गाइडलाइंस थी, उसके पालन कराए गए खासतौर पर, हालांकि यात्री जो हैं कम संख्या में यहाँ पहुँचे, लेकिन इस बार थोड़ी स्थिति बेहतर है, कोविड कहीं ना कहीं अब कम है पूरे देश भर में, प्रदेश में भी, उत्तराखंड के अंदर भी, तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि इस बार जिस तरीके से, हालांकि गाइडलाइंस का जरूर रखी जाएगी, कोविड के अनुसार रखी जाएगी, क्योंकि हमने देखा भी था कि पिछले दिनों जो कोविड के गाइडलाइंस थे और कम, अगर कोविड की संख्या पॉजिटिव केस की संख्या कम हो रही थी, फिर भी हम गाइडलाइंस का जो पालन था वो राज्य सरकार की तरफ से कराए जा रहे थे, और इस बार भी उम्मीद की जा रही है
कि कोविड गाइडलाइंस हैं उनके अनुसार यात्रा को सुचारू और बेहतर बनाने की दिशा में राज्य सरकार पहल करेगी और अभी इसमें वक्त भी है। राज्य सरकार इसको लेकर तैयारी भी करेगी। मंदिर समिति की तरफ से बिल्कुल मंदिर समिति की तरफ से तैयारी यहाँ पर धरातल पर हो रही है, जिसे फलीभूत किया जा रहा है ज्ञानेंद्र। और इस बीच अब राज्य सरकार की एडवाइजरी का सिर्फ हर किसी को इंतजार है कि किस तरह से धरातल पर यहाँ पर गाइडलाइन का पालन करवाया जा सकता है। तमाम जानकारी साझा की ज्ञानेंद्र, उसके लिए शुक्रिया।